पीलीकोटी सिविल लाइन स्थित रानी प्रीतम स्कूल के पास इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से पधारे कथा व्यास श्रद्धेय श्रीमंत साक्षी गोपाल दास महाराज अध्यक्ष इस्कॉन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मुखारविंद से अमृतमय रस धारा का प्रवाह किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, सारे कष्ट व पाप दूर हो जाते हैं। कथा ही ये माध्यम है जो जीव को एक भवसागर से आसानी से पार कराती है। दरअसल मुरादाबाद महानगर के पीलीकोठी सिविल लाइन स्थित रानी प्रीतम स्कूल के पास चल रही श्री भगवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास सिर से साक्षी गोपाल दास महाराज ने श्रीमद् भगवत की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवत कथा सर्वव्यापी ग्रंथ है, इसके सुनने से पितरों का उद्धार होता है। वहीं कथा के दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, साथ ही बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां एक और श्रीमद् भागवत कथा का भरपूर आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया, तो वहीं भजनों को सुनकर भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमते नृत्य करते नजर आए। गौरतलब है कि इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक सिक्का, वैष्णव प्रियदास, वॉवी दिनेश चंद्र, एडवोकेट अजय गुप्ता, रमेश यादव, राजकुमार गुप्ता, सुधीर टंडन, अशोक अरोड़ा, हरिशंकर रस्तोगी, पंकज गुप्ता, अभय गुप्ता, गोविंद गुप्ता, मनोज भवन, रवि कपूर, धर्मेंद्र अग्रवाल, आदित्य गुप्ता, शिवम रस्तोगी, मूलचंद तोमर, दिनेश चंद्र रोहतास, अपरा राकेश अरोड़ा, प्रदीप शुक्ला, नीलेश मिश्रा, राहुल बिश्नोई आदि लोग उपस्थित रहे।